नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप। मैं हूं सन्नी सारद। आज चंपई सोरेन सरकार की कैबिनेट का विस्तार होना है। 4 बजे का समय भी निर्धारित हो गया है और सभी मंत्रियों का नाम जो है निर्धारित हो गया है कि कौन आज शपथ लेने वाले हैं। लेकिन उससे पहले शपथ ग्रहण पर शपथ लग गया है क्योंकि कांग्रेस के विधायकों में भारी नाराजगी है। जैसे ही ये खबर निकलकर सामने आई कि कांग्रेस के जो पहले मंत्री थे वही पुराने चेहरे फिर से रिपीट होंगे, उसके बाद जो पहले से नाराजगी चली आ रही थी वो नाराजगी जोर पकड़ ली। अभी फिलहाल रांची के सर्किट हाउस में कांग्रेस के प्रभारी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में नाराज विधायकों के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। इस बीच एक खबर और निकल कर सामने आई कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो नाम सामने आए, बस तीन नाम, बसंत सोरेन, दीपक बिरुआ और बैजनाथ राम, ये तीनों आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। इस बीच खबर ये आई कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के नेतृत्व में शपथ लेने वाले पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन शपथ लेने से पहले होटवार जेल पहुंचे हैं और वहां पर वे अपने भाई हेमंत सोरेन से मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात कर वे आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद ही मंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन फिलहाल गहमागहमी कांग्रेस खेमे में तेज है। आखिर ये गहमागहमी क्यों तेज हो गई और ये नाराजगी आगे कितनी दूर तक जाएगी और क्या सचमुच में शपथ ग्रहण पर शपथ लग जाएगा, इसी मसले पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी मनोज पांडे और संजय रंजन हैं। मनोज जी, पहले आप ही बताइए कौन कौन विधायक नाराज हैं और अंदर जो बैठक चल रही है उसमें कौन कौन विधायक मौजूद हैं? देखिए, उमा शंकर अकेला आ रहे हैं, रास्ते में हैं। बाकी आप मान लीजिए कि 4 को छोड़ के बाकी सारे वहाँ पे विधायक हैं और सबने अपनी नाराजगी जताई। 4 में कौन? जो मंत्री हैं। अच्छा, उनको छोड़ के और उमा शंकर अकेला अभी रास्ते में, थोड़ी देर में यहाँ पहुँच जाएंगे। सारे लोगों ने अपनी नाराजगी जता दी है। मतलब जो मंत्री बनने वाले हैं उसके अलावा जितने कांग्रेस के विधायक हैं सब नाराज हैं? हाँ, सब नाराज हैं, A to Z नाराज हैं और सबने अपनी नाराजगी जाहिर भी कर दी है कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। कम से कम पार्शियल आपको चेंजेस करना चाहिए था। अगर पूरा चेंज नहीं करना चाहते हैं, लोकसभा पे असर पड़ेगा। क्या हुआ उन कार्यकर्ताओं सम्मेलन का, क्या हुआ पदाधिकारी सम्मेलन का, जिसमें अविनाश पांडे जब प्रभारी हुआ करते थे तब सब जगह से यही खबरें आती थी कि मंत्री भी कार्यकर्ताओं का फोन नहीं उठाते, काम चाह के भी नहीं करा पाते या काम नहीं कराते हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। बोले वही सिचुएशन अगर आगे भी कंटिन्यू रहेगा तो पार्टी कैसे सफलता हासिल करेगी। बिल्कुल, देखिए जो कांग्रेस के विधायक नाराज हैं वो बता रहे हैं कि मंत्री बनने के बाद ये लोग फोन तक नहीं उठाते हैं, तो ये नाराजगी पहले से ही थी, अब ये और बढ़ती जा रही है। संजय, ये नाराजगी लगातार बढ़ रही है। 8 दिन का समय था, ये 8 दिन में कांग्रेस नेतृत्व अपने विधायकों को मना नहीं पाई, समझा नहीं पाई। देखिए, पूरा अब जो सवाल है वो इस प्रदेश नेतृत्व और जो प्रदेश प्रभारी हैं गुलाम मोहम्मद मीर, इनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे है। इनका स्ट्रेटजी देखिए कि अगर आपको कोई बदलाव नहीं करना था तो ये जो 8 दिन तक आपने गैप रखा, इस गैप में वो उन विधायकों के भी मन में आपने एक जिज्ञासा खड़ी कर दी कि आप भी मंत्री हो सकते हैं। अब इसका खामियाजा तो कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। बदलना नहीं था तो फर्स्ट डे ही क्लियर कर देते। बिल्कुल, क्या वजह रही? आप 8 दिनों तक किस चीज का इंतजार कर रहे थे? आपको याद होगा सनी कि राजभवन में बकायदा समय तय कर लिया गया था, खबरें चलने लगी, इसको इस तरीके से बकायदा राजभवन से भी इस्टेब्लिश किया गया कि राजभवन से एक सूचना जारी किया गया और उस सूचना में बताया गया कि कल का जो कार्यक्रम होना था वो किसी कारण से जो है स्थगित कर दिया गया है और अब ये 16 जनवरी यानी कि आज के दिन 3 बजे का समय तय किया गया था। हालांकि 1 घंटा और डिले किया गया है, 4 बजे होगा। तो आप ये देखिए कि राजभवन ने भी एक संदेश देने का कोशिश किया कि ये लोग तय नहीं कर पा रहे हैं और जो चीजें होती हुई दिख रही है, लगातार जो सवाल उठ रहे थे कांग्रेस पार्टी के ऊपर, एक तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं, दूसरे तरफ उनके विधायकों को ये लग रहा है कि उनके साथ पार्टी अन्याय कर रही है, डिसीजन नहीं ले पा रही है। ये लोग सारे विधायक जो दावेदार थे मंत्री पद के रेस में, ज़्यादातर लोग दिल्ली तक गए। यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष हों, राजेश ठाकुर, गुलाम अहमद मीर हों या फिर जो CLP लीडर हैं झारखंड कांग्रेस के विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, इन सब ने जो मेरे पास जो खबरें हैं सनी और ठोस खबर है कि इन सारे लोगों ने उम्मीदें जगा करके रखी। और आप देखिए कि आज वो सारे विधायक
यहाँ पर आकर के बैठे हुए हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, तो ये तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर तो क्वेश्चन मार्क है ही। और एक वक्त में जब कांग्रेस सर्वाइवल के दौर से गुजर रही है और कांग्रेस पे लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो डिसीजन नहीं ले पाती है, आप देखिए कि डिसीजन नहीं ले पाने की वजह से ही नीतीश कुमार जैसे नेता इंडिया अलायंस से बाहर चले गए और बाकायदा उन्होंने सदन में कहा, आप केसी त्यागी जो सबसे बड़े लीडर हैं जेडीयू के, देश भर में वो जाने माने जाते हैं, उन्होंने भी बाकायदा कहा कि आरजेडी से उनको कोई शिकायत नहीं रही। कांग्रेस का जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है इतना सुस्त है सनी कि आप देखिए कि उनके ही विधायक जो कल तक कुछ सवाल नहीं खड़ा कर रहे थे, आज आंखों में आंख डाल करके वो पूछ रहे हैं अपने प्रभारी से और बाकायदा विरोध कर रहे हैं। और विरोध किसका है? बादल पत्रलेख का है जो पूर्व मंत्री थे, आज हो सकता है कि 4 बजे फिर से मंत्री बन जाएं। रामेश्वर उरांव का बिल्कुल, देखिए डिसीजन मेकिंग पर सवाल उठ रहा है और हमारे पीछे देखिए ये सर्किट हाउस है और इसी सर्किट हाउस में फिलहाल जो नाराज विधायक हैं वो बैठक कर रहे हैं। अभी बंधु तिर्की यहाँ पर मांडर के पूर्व विधायक पूर्व मंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं और वो मीडिया से बात कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि आखिर ये नाराजगी कैसे दूर की जा सकती है। जबकि ये जो नाराज विधायक हैं उन नाराज विधायकों में सर्किट हाउस के अंदर जो बंद कमरे में बैठक हो रही है उसमें उनकी बेटी शिल्पी नेहा तिर्की भी शामिल है। संजय ये बताइए कि ये जो नाराजगी है, अब तो समय बचा नहीं, 2 बज गए, 4 बजे शपथ ग्रहण होना है, तो क्या 2 घंटे में कुछ होना है तब जबकि नाम भी चला गया है राजभवन? देखिए मुझे नहीं लगता है कि बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन एक कांग्रेस है, अगर कुछ नहीं होगा तो इस नाराजगी का असर होगा, इस नाराजगी का असर होगा अपने ही मंत्रियों के साथ, अपने ही सरकार में समन्वय अगर विधायकों का नहीं रहेगा सनी तो उसका असर सड़क पे दिखेगा और आखिरकार आपको सड़क पे ही जाना है, जनता ही सब कुछ तय करेगी। सामने लोकसभा का चुनाव है, अभी जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं महीने भर में कभी भी आचार संहिता लागू हो जाएगा, उसके कुछ दिनों बाद अक्टूबर में विधानसभा के लिए आचार संहिता लागू हो जाएगा, आपके पास समय नहीं है, आखिरी साल है आपके कार्यकाल का, और वैसी परिस्थितियों में अगर आप अपने ही विधायकों को आपने मजबूर किया कि आप जो है मंत्री परिस्थिति बन रहे, बिल्कुल, और दर्शकों को यहाँ पे ये भी बता दें कि अंदर जो विधायक हैं उनका नाम भी मैं बता देता हूँ कि अंदर शिल्पी नेहा तिर्की हैं, डॉक्टर इरफान अंसारी हैं, दीपिका पांडे हैं, अनूप सिंह हैं, अंबा प्रसाद हैं, तमाम वो विधायक हैं जो इस उम्मीद में थे कि उनमें से किसी का जो है नंबर आ सकता है। खास करके महिला विधायकों के मन में एक सवाल जरूर चल रहा था, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी जब महिला बिल जब पास हुआ केंद्र से तो उस समय महिलाओं की भागीदारी पे वो सवाल खड़ा कर रहे थे, तो ऐसे में जो महिला विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के उनको ये जरूर उम्मीद थी कि अगर ये जो मंत्रिमंडल में अभी जो परिस्थितियां बनी है, सत्ता का जो चेहरा परिवर्तन हुआ है, उसके बाद उनको भी मौका मिल सकता है। और देखिए सनी, ये जो गुस्सा है और जो नाराजगी है उसमें कमी आ सकती थी, वो तब होता जब झारखंड मुक्ति मोर्चा कोई बदलाव नहीं कर रहा होता। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक ड्रॉप किया जोबा मांझी को, मुझे लगता है कि उसके बाद ही ये सवाल यहाँ पर उठना शुरू हो गया है कि जब उधर चेंज हो सकता है, उधर जब फर्स्ट टाइमर को मौका लगातार दिया जा रहा है तो इधर क्यों नहीं मिलना चाहिए? नहीं नहीं, ये सवाल नहीं है कि उसके बाद इन लोगों की नाराजगी है, इन लोगों की नाराजगी कल रात में ही सामने निकल करके आ गई। 10:30 के आसपास जब हम लोगों ने लाइव करके फॉलोअप के जरिए दर्शकों को बताया कि कई सारे विधायक में जो गुलाम अहमद मीर हैं, राजेश ठाकुर और आलमगीर आलम, इनके पास वो लोग गए और एक एक करके रात में मुलाकात हुई और बाकायदा इन लोगों ने कहा कि आप किसी को भी बनाइए, लेकिन परिवर्तन होना चाहिए। ये जो 3 चेहरे जिनको तय कर दिया गया है, हालांकि एक चीज ये स्पष्ट है कि आलमगीर आलम जो कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं वो शुरू से ही इस प्रयास में थे कि पुराने लोग ही रिपीट हो जाएं, वो किसी तरीके की उलझन में नहीं रहना। जो विधायक आज नाराज हैं वो शुरू से ही ये इस बात पर अड़े थे कि चेंज होना चाहिए, नहीं तो नाराजगी और बढ़ जाएगी। नहीं बिल्कुल, और ये बदलाव का जो मांग था झारखंड मुक्ति मोर्चा में उसके बाद जो है वो और ज्यादा बढ़ गया है, तो आप देखिए कि किस तरीके से जो है। तो देखिए बंधु तिर्की कांग्रेस नेता इस वक्त यहाँ पर आ गए हैं और ये क्या मीडिया से बात कर रहे हैं इनसे जानते हैं। अभी फिलहाल ये बात कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरह से जो विधायकों के अंदर जो नाराजगी है उस नाराजगी को आखिर कैसे दूर किया जा सकता है।
तो फिलहाल यहाँ पर सर्किट हाउस में बैठक चल रही है और बैठक में लगातार इस नाराजगी को दूर करने की कोशिश की जा रही है। जो अंदर बैठक चल रही है जिसमें कि कांग्रेस के प्रभारी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं और इस बैठक में विधायक अनूप सिंह, अंबा प्रसाद, शिल्पी नेहा तिर्की, दीपिका पांडे, इरफान अंसारी, राजेश कच्छप, ये तमाम विधायक मौजूद हैं। राजेश कच्छप ने बाकायदा अभी मीडिया में बयान दिया और बयान देते हुए ये कहा कि कांग्रेस के कोटे से जो मंत्री बनते हैं वो विधायकों का फोन तक नहीं उठाते, हम लोगों का फोन तक नहीं उठाते, तो आखिर कैसे जो है वो फिर काम करेंगे। बंधु तिर्की हैं हमारे साथ। बंधु जी, नाराज हैं विधायक और नाराज होने वाले में आपकी बेटी का भी नाम शामिल है, तो ये नाराजगी कैसे दूर होगी और क्या लगता है कि ये नाराजगी वाजिब है? देखिए, हर माननीय विधायक, हर लोग विधायक बनना चाहता है, विधायक बनने के बाद मंत्री बनने का ख्वाहिश तो रखता ही है। अब नई सरकार का गठन हुआ है, नए मुख्यमंत्री हैं, नए लोग, कुछ लोग मंत्री बनना पसंद कर चाहेंगे ही, इतना है भाई क्या, ये तो आम आदमी का की बात जैसी बात कर रहे हैं। आप चूंकि कांग्रेस के इतने बड़े नेता हैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी है आपके माथे पर, तो क्या लग रहा है कि सचमुच में नए लोगों को मौका मिलना चाहिए जो पुराने मंत्री हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे? देखिए, कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी आला कमान का निर्णय के मुताबिक चलता है, लेकिन आला कमान के लिए नाराज होना लाजमी है, लाजमी है। तब क्या है कि जो आला कमान का निर्णय हो गया तो हो गया दादा, तो लेकिन कांग्रेस पार्टी का, हम लोग जो कांग्रेस पार्टी का है, लोग पुआल जो जलता है ना थोड़ा सा, बहुत जोर जलता है, देखेगा शांत हो जाएगा, चार बजते बजते सब ठीक हो जाएगा। तो मतलब ये नहीं मान रहे कि जो दिल में आग लगी है लकड़ी की आग नहीं है, ये पुआल की आग है? एकदम अभी अब ठीक बोले हैं, यही बात पुआल आग वाला आ गए। एक सवाल ये है बंधु जी कि अगर आपको पुराने विधायकों को ही रिपीट करना था तो ये 8 दिन का गैप लेकर के आपने क्यों उन विधायकों को उम्मीदें जगा दी? ये तो नाराजगी का तो असर देखने आपको मिलेगा ना सड़कों पे। डेमोक्रेटिक पार्टी है इसीलिए। जो आज सर्किट हाउस में हो रहा है वो राहुल गांधी के सामने आप लोग नहीं कराना चाहते थे? नहीं नहीं, देखिए ये सब चीज में आपको ये सब बात, इन बातों को हमको लगता है बेहतर प्रभारी और यहाँ के जो अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष उनको अगर आप पूछेंगे तो शायद बेहतर जवाब है दादा, बेहतर जवाब। आप भी कार्यकारी अध्यक्ष हैं, पद पर हैं। देखिए, कार्यकारी अध्यक्ष हम लोग हैं लेकिन हम लोग का भी एक लिमिटेशन है। बंधु जी जो इशारा कर रहे हैं, मतलब आप ये बोल रहे हैं कि ये जो सिचुएशंस क्रिएट हुआ है उसके लिए जिम्मेवार झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अध्यक्ष और सीएलपी लीडर हैं, उनको जवाब देना चाहिए ना? नहीं नहीं, जिम्मेवारी की बात ना बोले आप, ये जी संजय जी उसको दूसरे तरफ मत कीजिए। बोले पहली बात तो आप समझ लीजिए कि पार्टी हाईकमान का जो निर्देश है उसको तो पालन करेगा। दूसरी बात, जो पार्टी कांग्रेस पार्टी है ना, कांग्रेस पार्टी में थोड़ी देर के लिए बहुत ज्यादा गर्माहट आती है पूरा। नहीं, ये बात तो आप लगातार रिपीट कर रहे हैं लेकिन ये जो नाराजगी है इसको दूर करने का कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा, कोई फॉर्मूला ऐसा तैयार किया जा रहा है? देखिए, जो जिम्मेवार लोग हैं, जो लोग जिम्मेवार कहने के लिए जो अधिकृत लोग हैं, जैसे बात आज कर रहे हैं विधायक लोगों के से, जो लोग प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो बात कर रहे हैं उनके ऊपर ही है। हम लोग तो भाई एक साधारण कार्यकर्ता की हम लोग क्या इस पर ही ये, इस नाराजगी से क्या सरकार की सेहत पर कोई असर पड़ने वाला है? बोले ना, चार बजते बजते ठीक हो जाएगा, पुआल जो जलता है, बोलता है उदाहरण दे दिए ना आप। ये लोग तो बोल रहे हैं कि शपथ ग्रहण में भी शामिल नहीं होंगे, हम लोग दिल्ली जाएंगे, दिल्ली तक नाराजगी व्यक्त करेंगे अपनी। अच्छा, एक चीज बताइए, शपथ ग्रहण में कोई अगर नहीं जाएगा, हम ही नहीं जाएंगे तो शपथ ग्रहण नहीं होगा क्या? शपथ ग्रहण तो होना ही है, मैसेज ठीक नहीं जाएगा ना जनता। अब मैसेज जाएगा नहीं जाएगा इनको तो खुद समझना है, बहुत जिसको समझना है उनको खुद समझना है ना। हम तो एक वर्कर है, वर्कर की तरह तुम रहेंगे ही, लेकिन मैसेज गलत जाएगा नहीं जाएगा इसको खुद समझना है, इसको समझना है दादा। लेकिन एक बात, विधायक ये कह रहे हैं एकल पद वाली बात होनी चाहिए, एक आदमी एक पद, ये मांग अब उठा रहे हैं अंदर प्रभारी को कहा कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन है। पांडे जी, पांडे जी, इस तरह का बहुत सारा चीजें, मामला एकल पद ये हो, ये सारी बात तो लोग कहेंगे, वो अपना तर्क तो देंगे ही पूरा। महिला कोटे से भी पिछले 4 साल से कोई जगह नहीं मिली, इस बार भी नहीं मिलने जा रहा है। आप लोग महिला रिजर्वेशन पर जब बिल पास होता है उसमें समर्थन करते हैं कि हम लोग हमेशा मांग करते हैं, लेकिन अब तो सवाल खड़ा होने लगेगा ना कि 4 साल से मंत्रिमंडल में कोई महिला को जगह नहीं मिला, फिर से जब हो रहा है तो इसमें सवाल का मैं एक ही जवाब दे रहा हूँ यार। ये चीज जहाँ आपको, जहाँ
जिससे ये जवाब मिलेगा उनसे आप पूछिए। बंधु तिर्की स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको जवाब देना चाहिए, संकेतों में तो ये स्पष्ट कर रहे हैं। दूसरी बात बोल रहे हैं कि भाई ये दो बात ये स्पष्ट रूप से बंधु तिर्की बोल रहे हैं कि विधायकों की जो नाराजगी है वो जायज है। इसका मतलब बंधु तिर्की भी मान रहे हैं कि मंत्रिमंडल में फेरबदल होना चाहिए था। दूसरी बात बोल रहे हैं कि ये जो सवाल हमसे पूछा जा रहा है ये किसी जवाबदेह व्यक्ति से पूछा जाना चाहिए, तो इसका मतलब लग रहा है कि संगठन में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। बिल्कुल, संगठन में कुछ भी ठीक नहीं है। जब मैंने ये सवाल प्रदेश अध्यक्ष से कहा तो कहा कि हमसे मत पूछिए, प्रभारी हैं तो मेरी पावर सीजा प्रभारी से पूछिए, और प्रभारी कह रहे हैं कि मैं अब सारे विधायकों से रायशुमारी कर लिया हूं, इतना शॉर्ट टाइम में चेंज करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक नहीं था। लोकसभा में हमारा जो ऑर्डर आएगा दिल्ली से उसको एक्सिक्यूट करने की जिम्मेदारी है, तो ऑलरेडी जो एक ट्रैक बना हुआ है, जो सिस्टम बना हुआ है, उसको डेमोलिश करके नया बनाने में समय लगता है, लिया जाए, इसलिए यही अभी के लिए सबसे बेहतर फैसला था। अब वो बता, अभी हो क्या रहा है सनी कि जैसे ही आप प्रदेश अध्यक्ष से बात करेंगे तो प्रदेश अध्यक्ष यह दिखाने और जताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो चाह रहे थे कि बदलाव हो, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। गुलाम अहमद मीर की अगर आप बात सुनेंगे तो वो दिखाने और जताने की ये कोशिश करेंगे कि उन लोगों ने एक कोशिश जरूर की, लेकिन सेंट्रल लीडरशिप जो है वो इस चीज को लेकर के नहीं राजी हुई, और जो पुराने लोग थे उनका उनको ही कंटिन्यू किया जा रहा है। और जो सेंट्रल लीडरशिप में जो जिम्मेवार चेहरे हैं, केसी वेणुगोपाल हों या फिर जो दूसरे लोग हैं, उनसे जो अनऑफिशियली मैं कोट कर रहा हूं कि उनसे जो बातचीत हो रही है, तो उसमें वो ये बोल रहे हैं कि इस सेंट्रल लीडरशिप की इसमें कोई भूमिका नहीं है, स्टेट जो भी तय कर दे, और स्टेट का काम है कि क्या कुछ करना है, लास्ट आवर है, आखिरी वर्ष है इस सरकार के कार्यकाल का। तो आप देखिए कि कोई जिम्मेवारी नहीं ले रहा है, नाम कोई सामने नहीं लाना चाहता है कि इसमें इस फैसले में मेरी भूमिका है। तो आप देखिए कि इस तरीके से कांग्रेस पार्टी के डिसीजंस लिए जा रहे हैं, और हो सकता है कि मीडिया के ऊपर सवाल खड़े किए जाएं कि आप लोग जानबूझकर नाराजगी नहीं थी, हाँ नाराजगी नहीं थी और इस तरीके का काम आपने किया, लेकिन आलम यह है कि कांग्रेस पार्टी के विधायक जो है अंदर बैठ करके विरोध जता रहे हैं, और वो ये बोल रहे हैं कि आपका जो फैसला है वो गलत है, इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर बैठकों का दौर जारी है, और आलमगीर आलम जो है यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए मीडिया कर्मियों से बात कर रहे हैं, और जब बात करके यहाँ आएंगे तो हम लोग भी कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत हो सके, और जो नाराजगी है विधायकों के बीच वो नाराजगी कैसे दूर हो, कैसे नाराजगी दूर होगी विधायकों की। अभी हम जा रहे हैं, बात करेंगे तब ना, बात करके आते हैं। उनकी नाराजगी की खबर आप तक नहीं मिली है अब तक? अभी तो हम कहे जुमा बार नमाज खा, नाराज है विधायक लोग, हम जा रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, ये इस वक्त आलमगीर आलम सीएलपी लीडर और कांग्रेस विधायक दल के नेता वे पहुंचे हैं, और बोल रहे हैं कि अभी हम अंदर जा रहे हैं, विधायकों से बात करेंगे और उसके बाद ही कुछ बोल पाएंगे। मतलब नाराजगी की खबर इन तक जरूर पहुंची है, और यही वजह है कि आज चूंकि शुक्रवार है और इन्होंने बताया कि नमाज पढ़ने के बाद वो यहाँ पर पहुंचे हैं और अभी विधायकों से मुलाकात करेंगे। और कुछ बोले, कुछ पता चल पाया? नहीं, देखिए वो जो नहीं चेंज करने में सबसे बड़ी भूमिका थी वो आलमगीर साहब की थी। अच्छा, ये नहीं चाहते थे? हाँ, वो नहीं चाह रहे थे, इसलिए नहीं चाह रहे थे कि इनका भी नहीं नाम कट जाए। नहीं नहीं, ये तो शपथ ले चुके हैं, उससे पहले चर्चा शुरू हो गई थी। हाँ, उसके बाद ये चर्चा शुरू हुई कि ये इन्होंने प्रभारी को बताया और प्रदेश अध्यक्ष को बताया कि सिस्टम कैसे कोलैप्स हो सकता है चेंजेस करने के चक्कर में, लिहाजा ऐसा ना किया जाए। हाँ। ये दो बातें आई, तो प्रबल था इनका बात। दिल्ली से कहा गया कि राष्ट्रीय जो राज का नेतृत्व है, लेट देम टू डिसाइड, मतलब आप लोग अलग अलग भावना से मत अपना प्रकट कीजिए, आप एक सिंगल पॉइंट पे आइए क्या करना है। तो यही हुआ फाइनली कि नो चेंज। तो देखिए फाइनली यही हुआ है कि नो चेंज, और अभी लगातार बैठक अंदर जारी है। विधायकों का परिश्रम इस बात को लेकर है कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है उसमें कम से कम होल्ड लगाया जाए। हाँ। कि कम से कम कांग्रेस कोटे के एक दो मंत्री को अभी फिलहाल होल्ड कर दिया जाए, अब उसकी पूरी ताकत झोंके हुए हैं तमाम विधायक, इसीलिए सीएलपी लीडर को भी बुलाया गया, और एकल पद की जो बात हो रही है उसमें भी सीएलपी। एकल पद में कौन कौन लोग दो पद पर हैं?
आलमगीर बस सीएलपी और मंत्री दोनों पद पे हैं, तो इन्हीं पर सवाल है। हाँ, वो चूंकि ये मुद्दा है, वो कह रहे हमारा तो संविधान है कांग्रेस का कि एकल पद होना चाहिए, एक आदमी एक पद पे, तो इस तरीके की बातें आ रही है। प्रदीप यादव इस पूरे पचड़े से अपने आप को अलग करके घर में है, आज इस बैठक में भी नहीं है, नहीं है। प्रदीप यादव का मानना है कि जो नेतृत्व तय कर देगा हम मान लेंगे, वो फाइनल है और वही आखिरी होना चाहिए। हाँ। दरअसल ये बात क्या हो रहा है कि प्रदीप यादव इस बात को लेकर भी आश्वस्त हैं कि गोड्डा लोकसभा से वो अगले उम्मीदवार हो सकते हैं। हाँ। लिहाजा उनको मंत्री पद मिले ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दीपिका पांडे नहीं हो सकती है। हाँ, उनका मानना है कि वो एक प्रबल दावेदार हैं, तो अब तो वो फिर उस समय केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। लेकिन जो सच्चाई है वो यही बात है, अब आलमगीर साहब को बुलाया गया है, अगर मामला सलट गया, शांति से निपट गया, तो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, और नहीं तो जो विधायक आर्गू कर रहे हैं कि कम से कम दो मंत्रियों को अभी होल्ड करा दीजिए, उस पे पूरा नूरा कश्ती चल रही है। अब इसमें किसको सह किसको मात मिलता है वो देखना होगा, प्रभारी कैसे समझा लेंगे अपने विधायकों को, वो सबसे बड़ा सवाल है। तो बिल्कुल यहाँ पर अभी रूठने मनाने का दौर जो है वो कांग्रेस में चल रहा है। हालांकि जब 8 तारीख को तय हुआ था कि कैबिनेट का विस्तार हो सकता है और फिर अंतिम समय में उसे टाला गया और आज का दिन मुकर्रर हुआ, उस दिन भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से ये कहा गया था कि अगर कांग्रेस की सूची तैयार नहीं हुई है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो मंत्री बनने वाले हैं उन्हें ही शपथ दिला दिया जाए, लेकिन कहा गया कि मैसेज अच्छा नहीं जाएगा, इसलिए फिर इस दिन को तय किया गया था। लेकिन फिर कांग्रेस के अंदर उथल पुथल और ये नाराजगी का दौर जारी है। अब जैसा कि पांडे जी बता रहे हैं कि अब जो नाराज विधायक हैं वो इस कोशिश में लगे हैं कि फिलहाल किसी मंत्री को रोका जाए, उन्हें फिलहाल शपथ नहीं दिलाया जाए और उस पर आगे चर्चा करके फिर उन्हें शपथ दिलाया जाए। संजय, अब क्या संभव है कि किसी एक या दो मंत्री को शपथ दिलाने से रोका जाए फिलहाल? बिल्कुल संभव है, और कांग्रेस पार्टी अगर ऐसा निर्णय लेती है तो ही शायद ये जो विधायकों का गुस्सा है वो थम सकता है। और पांडे जी जो बात कह रहे हैं उसमें काफी दम है, होगा क्या वो तो 4 बजे स्पष्ट होगा। लेकिन विधायक जो नाराज हैं सनी, वो इसी प्रयास में हैं कि किसी भी तरीके से आज के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस कोटे के जो विधायक हैं, जो मंत्री बनने वाले हैं, उनका शपथ ग्रहण जो है रुक जाए, और इसी को लेकर के ये लोग दबाव डाल रहे हैं। बाकायदा ये लोग बोल रहे हैं कि इस पे और भी विचार विमर्श कर लिया जाए और एक आम सहमति बनाई जाए। इनकी बातों में एक जो तर्क दिया जा रहा है सनी, अंदर चूंकि ये सारे लोग बैठे हुए हैं, अभी आलमगीर साहब भी जो गए तो अंदर चले गए और वहीं पे गए जहां पे सारे विधायक और झारखंड कांग्रेस के प्रभारी, झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष बैठे हुए हैं, और इन लोगों की कोशिश यही है, ये लोग एक एक करके बता रहे हैं कि आप देखिए कि कैसे जो है आप ठोस डिसीजन नहीं ले पाने की वजह से आपके अच्छे अच्छे चेहरे चले गए। तो बिल्कुल, अभी देखिए कि कांग्रेस के नेता आप विनय सिन्हा दीपू जी आए हुए हैं, बताया जा रहा है कि विधायक आपके नाराज हैं और ये शपथ ग्रहण पर ग्रहण लग सकता है, तो क्या सचमुच में ये नाराजगी? हमको ऐसा नहीं लगता है। देखिए, कोई बात अपनी तो अपने किसके पास है, अपने मुखिया के पास रखते हैं, विधायक भी अपनी बात तो अपने मुखिया के पास रख रहे हैं, और कोई नाराजगी नहीं है। और हम लोग का अंतिम फैसला आलाकमान का कोई निर्णय आ जाता है, जो वर्कर होता है अक्षरता वही बात मानता है। मैं आपको बताऊँ, बड़े से बड़े फैसले में स्वाभाविक है, चीज कम है, विधायक ज्यादा है, वो अपनी बात को रखेंगे, अपनी मन की बात को रखना उनका फर्ज बनता है, और वो अपने मुखिया से रख रहे, प्रदेश अध्यक्ष है, विधायक दल के नेता है, हमारे प्रभारी मीर साहब है, तो उनकी बात रखने को उसमें कोई हम लोग गलत नहीं। के पास बात रखें ये अच्छी बात है, रखना भी चाहिए, लोकतांत्रिक देश में ये संभव है। लेकिन मीडिया में विधायक ये आकर बयान दे रहे हैं कि जो कांग्रेस के मंत्री बनते हैं वो विधायक तक का फोन नहीं उठाते हैं, वही विधायक ये मैसेज देते हैं कि हम शाम को दिल्ली जाएंगे, कांग्रेस के 10 विधायक नाराज हैं, तो ये तो घर की बात नहीं रही ना, घर की बात बाहर आ चुकी है। घर का स्वतंत्र है अपना बात रखने का, लेकिन मुझको जो मैं इतने पुराना एक कार्यकर्ता के रूप में इस पार्टी में हूँ, हर की बात को सुनी जाती है, समझी जाती है, लेकिन आलाकमान उनसे बात कर करके उसको सुलझा लेता है। और ऐसी कोई बात यहाँ हमको नहीं दिख रही है जिसमें मीडिया को इतना बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने की जरूरत है। मुझको ये लगता है कि 4 बजे ओथ होगा और कल से हम लोग इलेक्शन के लिए, पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए जुट जाएंगे। दीपू जी, आखिरकार सारा ठीकरा तो मीडिया पे ही फोड़ना है आप लोगों को, लेकिन ये जो 8 दिन का गैप फिर क्यों था, जब आपको पुराने चेहरों को ही रिपीट करना था, आपकी वजह से मंत्रिमंडल विस्तार टला,
आठ दिन तक भी बढ़ी नहीं पाया। बाकायदा झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि कांग्रेस की सूची तैयार नहीं थी, तो जब पुराने चेहरे ही आपको लाने थे तो कौन सी नई सूची बना रहे हैं? इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी राहुल गांधी का झारखंड में कार्यक्रम, सारे लोग राहुल जी के कार्यक्रम में व्यस्त थे, इसलिए मंत्रिमंडल का आगे का रूपरेखा तैयार हुआ था कि राहुल जी के कार्यक्रम के बाद ही हो पाएगा, इसलिए इसको लेकर के कहीं विवाद नहीं, कोई रोका, सिर्फ राहुल जी का कार्यक्रम था उसके बाद होना था। तो अभी कोई नाराजगी नहीं है, तो जिन विधायकों का नाम था मंत्री बनने में उन्हीं विधायकों के साथ बंद कमरे में ये बैठक क्यों चल रही है? फिर बोल रहे हैं, अपनी बात रखना विधायकों को अपने मुखिया के सामने कर्तव्य, अगर कोई बात है कोई गृहांश से तो वो अपनी बात को रख रहे होंगे। मैं जहां तक समझता हूं ये बहुत ही अच्छी बात है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और ये कल के बाद हम लोग लोकसभा चुनाव में जुट जाएंगे सारे विधायकों के साथ। बिल्कुल, देखिए अंदर जो नाराज विधायक हैं उनके साथ प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष की बैठक चल रही है। अंदर शिल्पी नेहा तिर्की भी थी, उनके पिता बंधु तिर्की से हमने बात किया। अंदर अम्बा प्रसाद हैं, बड़का गांव की विधायक, उनके पिता योगेंद्र प्रसाद हैं, पूर्व मंत्री हैं, बड़का गांव के पूर्व विधायक हैं। योगेंद्र जी, क्या सचमुच में अम्बा जी नाराज हैं? देखिए इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। आपसे चर्चा नहीं करती हैं? नहीं नहीं, चर्चा के बाद नहीं, वो भी बाहर से आई, आज मुलाकात उनसे मेरी नहीं हुई है। नहीं हुई है। अंदर में विधायकों का मंत्रणा चल रहा है, बाकी जो है सो आगे वहाँ प्रभारी जी बैठे हुए हैं और सीएलपी लीडर बैठे हुए हैं। तो जो कुछ भी हो रहा है ये क्या लग रहा है आपको, ठीक हो रहा है जो जिस तरह से कांग्रेस के जो पूर्व मंत्री हैं उनको फिर से रिपीट किया जा रहा है? नहीं, देखिए चार साल का परफॉर्मेंस देखते हुए नए चेहरों को जगह मिलना चाहिए, नए चेहरे अभी तो कम से कम हमारा कांग्रेस एक समंदर पार्टी है और एक विचारधारा की पार्टी है, और राहुल जी और प्रियंका जी बोलते हैं महिलाओं को हम 50% आरक्षण देंगे, यूपी में चुनाव में घोषणा किए थे उन्होंने, और उन्होंने 50% महिलाओं को टिकट भी दिया। और दूसरी चीज है कि राहुल जी 27% ओबीसी की बात कर रहे हैं, तेली समाज की बात कर रहे हैं, तो उस हिसाब से जगह लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट और असेंबली का इलेक्शन पीरियड है, ये इलेक्शन ईयर है। इलेक्शन मतलब ऐसा लगता है कि सिर्फ ये चुनावी एजेंडे में है, धरातल पर कहीं दिखता नहीं। राहुल जी भी आते हैं, कांग्रेस के जितने लोग हैं ओबीसी की बात करते हैं, लेकिन आप बिहार झारखंड यूपी देख लीजिए, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो किसी अगड़ी जाति से हैं। ये बात सही बात है, लेकिन राहुल जी एकदम नीडी आदमी है, उनको ये सब छल प्रपंच उनको नहीं आता, हमारी नेत्री प्रियंका गांधी छल के पर सोनिया गांधी को नहीं आता है। लेकिन जो राहुल गांधी जी जो भाषण देते हैं बड़का गांव में, जिन्होंने भाषण दिया था चुनावी भाषण में, उन्होंने कहा था कि स्थानीय दर से 4 गुना रेट दिलाएंगे, यहाँ जो गोली मारा है उसको जाँच केस करा करके उन लोग गोली चलाने लोग जेल भेजेंगे, धान का क्रय जो है 2500 रुपये करके दिलाएंगे और यहाँ के लोगों को न्याय दिलाएंगे, ये सब लागू कराना सीएलपी लीडर का काम है, यहाँ प्रदेश अध्यक्ष का काम है कि राहुल गांधी कराएंगे, सरकार मेरी बन गई तो उनको जो मेरे नेता भाषण दिए हैं उसको लागू कराना हमारी पार्टी का दायित्व बनता है, यहाँ के झारखंड प्रदेश के नेताओं का काम है। विधायकों को जब हैदराबाद लेकर जाया जा रहा था तब आपने मीडिया से एयरपोर्ट पर बात की, देवघर में जब आप बाबा धाम में पूजा किए उसके बाद मीडिया से बात की, दोनों जगह एक बात कहे कि अम्बा प्रसाद जो आपकी बेटी हैं वो लायक हैं, उनको मंत्री बनना चाहिए। देखिए एक चीज जान लीजिए, बन्ना गुप्ता जी जो हैं यहाँ कितना परसेंट है ओबीसी में, 2% हलवाई जाति से आते हैं। हाँ। तेली का कितना संख्या है यहाँ पर, तेली का समझिए छत्तीसगढ़ और झारखंड में तेली का संख्या एक मास है, 27% मतलब तेली का संख्या है। तो आप छत्तीसगढ़ और झारखंड मिला के बता? नहीं नहीं, सिर्फ झारखंड में। दूसरी चीज है कि यहाँ पर जो है आप जेएमएम कार्ड खेल रहे आदिवासी, बीजेपी खेल रहे आदिवासी, तो आप ओबीसी को जो है आप कैसे अपनी तरफ खींचेंगे, इसलिए कांग्रेस को अपनी ओर खींचने के लिए ये बहुत सुनहरा अवसर था। नए चेहरे लोगों को देते हैं तो उत्साह होता है युवाओं में, महिलाओं में, और इसका वोट बैंक हमारा कांग्रेस की तरफ खींचा होता है, और हम जो नए चेहरे आने से मतलब एक अलग जुनून होता और इसका इम्पैक्ट पार्लियामेंट और विधानसभा में पड़ता। तो ये क्या आप लोग जो आला कमान है या फिर आपका सेंट्रल जो नेतृत्व है उसको आप लोग समझा नहीं पाए, कन्विंस नहीं? हम तो सारा से हम राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब को भी बोल चुके हैं, मीर साहब हमारे प्रभारी हैं उनको, मीर साहब बहुत सुलझे आदमी, उन्होंने सारी बात जान सुने, गंभीरतापूर्वक सुने, और उन्होंने कहा कि एक सही बात है। दूसरी चीज यहाँ तक कि हम देवघर में राहुल गांधी जी को भी हमने कह दिया। अच्छा। राहुल गांधी से भी हमने कहा तो राहुल गांधी बोले नहीं ठीक है। पता नहीं किस मामला में ये सब चल रहा है, यह तो मतलब लॉबिंग चलता है, मास लीडर का तो महत्व देता नहीं है लोग, लॉबिंग के हिसाब से चलता है,
और लॉबिंग में जो है सो कौन पास होता है कौन फेल होता है ये तो भगवान जाने। हम लोग तो जमीन पर रगड़ते रहते हैं और जमीन पर रगड़ करके आज आंदोलन करके आज जेल गए, राज बदर हुआ, 5 साल जेल में रहे रघुवर दास से, बीजेपी से पूरा पंगा लिए, पूरे परिवार बिखर गए हम लोग। तो ये तो शुरू में जो है सो अंबा प्रसाद हमारी बेटी को मंत्री बनाना चाहिए था, जो जिस तरह से हम लोग संघर्ष किए, मेरी पत्नी विधायक बनी वो भी जेल, राज बदर भोपाल में रहना पड़ा, इतना संघर्ष बीजेपी 50 से लेकर के 70 केस हम खाए और मतलब कन्विक्शन भी हुआ। तो इस मामले में जो है अंबा प्रसाद मतलब डिजर्व करती है, दावेदार थी, मजबूत दावेदार नहीं, ये मेरा हक है, पार्टी का मैं हक है और पार्टी के लिए मतलब हम सब लोग समर्पित हैं, खून में कांग्रेस है और हम लोग कांग्रेस को चाहते हैं किस तरह सर्वाइव करें, किस तरह आगे बढ़े, और हम लोग तो चाहते हैं कि कांग्रेस का यहाँ गवर्नमेंट बने, सिंगल गवर्नमेंट हम चाहते हैं कांग्रेस का यहाँ पर, अदरवाइज जुनून आदमी को अगर फ्रंट में नहीं लाएगा तो अब इन लोग जो है 4 साल में जो इन लोग कुछ परफॉर्मेंस -0 जा रहा है, इन लोग को फिर दे रहा है इन लोग को, तो आगे भविष्य मालिक भविष्य। आपको क्या लगता है कि ये जो नाराजगी है इस नाराजगी का आगे कुछ असर होगा, क्योंकि बंधु तिर्की बोल रहे हैं कि पुआल का आगे थोड़ा सा उठता है फिर खत्म हो जाएगा। देखिए एक चीज बताते हैं, अभी मेरा जो सुझाव है अभी तुरंत में जो है सबसे पहला कि इसको शपथ ग्रहण खास करके कांग्रेस को रोकना चाहिए, अपने तो रोकना चाहिए। जी हाँ, नाम चला गया, समय नाम मिल गया, चला गया तो क्या 11th आवर में होता है, जो ऐसा थोड़ी है, पार्टी हक में जो मेरा सही रहेगा वही करेंगे, रोक करके पब्लिक ओपिनियन लेना चाहिए, पब्लिक ओपिनियन लीजिए कि किसको मंत्री बनाने से मतलब कांग्रेस सर्वाइव करेगा, कांग्रेस आगे बढ़ेगा, उस तरह से काम होना चाहिए, ना कि चार को चापलूस मिल करके यार डिसीजन ले लिया, और ये तो गलत बात है, हमारे प्रभारी को गुमराह कर देते हैं, हमारे नेता सीनियर मतलब हाईकमान को गुमराह करते हैं, गुमराह करके यार जो है मतलब ये सब करके यार मतलब इस तरह से पुराने चेहरे को जो सुअर का लेन निपने का ना पोतने का देहात में जो कहावत है वही है। तो बिल्कुल देखिए, ये अंबा प्रसाद के पिताजी योगेंद्र साव थे जो बता रहे थे कि इनकी बेटी जो है वो मजबूत दावेदार है, और बकायदा ये राहुल गांधी से जब देवघर में मुलाकात किए थे तो उस मुलाकात में भी इन्होंने उनसे कहा था कि ये जिस जाति से आते हैं, इनकी बेटी जिस जाति से आती हैं, उस जाति का प्रतिशत जो है वो संख्या जो है वो काफ़ी अधिक है, इसलिए बन्ना गुप्ता को न मंत्री बनाकर अंबा प्रसाद को मंत्री बनाया जाए। लेकिन चूंकि मंत्री बनाने में कई समीकरण होते हैं और उस समीकरण के आधार पर फिर से बन्ना गुप्ता रिपीट होने जा रहे हैं, कांग्रेस के तीनों चारों जो मंत्री हैं वो फिर से रिपीट होने जा रहे हैं। तो फिलहाल देखिए बैठकों का दौर जारी है, अब ये बैठक जैसे खत्म होती है उसके बाद फिर से हम आपके साथ लाइव जुड़ेंगे और तमाम अपडेट देंगे कि आखिर बैठक से क्या कुछ निकला, इस नाराजगी से क्या कुछ निकला। शुक्रिया।